नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ जो सालों भर गुच्छों में भर भर के फूल आते हैं। सर्दियों में थोड़े कम हो जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और इस प्लांट का नाम है पेंटास। मेरे पास ये डार्क पिंक कलर का है। इसमें तीन कलर और आते हैं, लाइट पिंक, रेड और वाइट। ये बहुत खूबसूरत सा प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है और बहुत आसानी से हमें नर्सरी में भी मिल जाते हैं। और जहाँ तक इसके गमले की बात है तो 10-12 इंच के गमले में ये बहुत अच्छे से चल जाता है। और इसकी मिट्टी बनाने के लिए थोड़ा हमें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सालों भर फूल देने वाला प्लांट है तो इसकी मिट्टी भी फर्टिलाइज़र रिच होनी चाहिए। तो हमें 40% गोबर की खाद और 40% अपने गार्डन की मिट्टी और 20% रेत मिला के इसे मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और इसका जो फूल स्पेंड हो जाता है तो उसको कट कर देना है, जिससे ये प्लांट हमारा और घना और सुंदर बनता जाएगा। और थोड़ा इसे फंगस से बचाना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे, बस इसमें नमी बनाए रखे तो ये अच्छा चलता है। और इसे धूप बहुत पसंद है, लेकिन गर्मियों में सुबह के 4-5 घंटे का धूप मिले तो ही अच्छा है, इससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ तक इसके फर्टिलाइज़र की बात है तो 15-20 दिनों में एक बार इसकी अच्छे से गुड़ाई करके और इसमें 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट और 2 चम्मच बोन मील डाल सकते हैं, जिससे ये बहुत अच्छे से चलता रहेगा। और ये आप भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत अच्छा सा ये प्लांट है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।